खिद्यान सपनों की उड़ान। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना। किडियान पर आज मैं आपको महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन और उनकी मां की कहानी सुना रही हूं। थॉमस एल्वा एडिसन महान अमेरिकी आविष्कारक एवं व्यवसायी थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। आज दुनिया उनके आविष्कारों का लोहा मानती है। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले महान वैज्ञानिक ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। हुआ यूं कि एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आए और उन्होंने अपनी माँ को एक पेपर देते हुए कहा, टीचर ने मुझे ये नोट लिख कर दिया है और कहा है कि सिर्फ आप ही इसे पढ़ सकती हैं। इसमें क्या लिखा है? माँ ने उनसे पेपर लिया और पेपर पढ़ते पढ़ते रुक गई, लेकिन कुछ ही देर बाद जोर जोर से पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही समझदार है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है। हमारे पास इतने काबिल टीचर नहीं हैं जो उसे बेहतर शिक्षा दे पाए जितनी अच्छी शिक्षा इसको मिलनी चाहिए। इसलिए आप अपने बच्चे को या तो खुद पढ़ाएं या फिर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद थॉमस एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगे और अपनी माँ की देखरेख में पढ़ाई करने लगे। उनकी माँ ने उन्हें एक से बढ़कर एक किताबें लाकर दी। कुछ सालों बाद अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर थॉमस एक महान वैज्ञानिक बन गए। एक दिन वह अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें अलमारी में रखा हुआ वही पत्र मिला जो उन्हें स्कूल से मिला था। ये तो वही लेटर है जो टीचर ने हमको दिया था। उन्होंने वह खोला और पढ़ने लगे। उस पत्र में उनके स्कूल की तरफ से लिखा गया था, आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम उसे स्कूल आने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, उसे निकाला जा रहा है। जब एडिसन ने यह पत्र पढ़ा तो उनकी आंखें भर गई और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था जिसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और महान वैज्ञानिक बना दिया। तो बच्चों, थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें सच नहीं बताया था कि स्कूल से आए हुए पेपर में क्या लिखा है, ताकि थॉमस एडिसन अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और जो बनना चाहते हैं वो बनकर दिखाएं। और हुआ भी यही, थॉमस एडिसन को आज एक महान वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है।